नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूं रीवा के सर्किट हाउस में। हमारे साथ पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी हैं। आज 2 अक्टूबर है, साथ ही निकट भविष्य में प्रदेश में चुनाव है। तमाम बातों पर एक तो मेरा पहला सवाल यह कि कल ही गैस के दाम 25 रुपये फिर से बढ़ा दिए गए, आज गांधी जयंती, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी के चरणों में सत नमन। एक तरफ गांधी जयंती है तो दूसरी तरफ सादगी के एक लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। दोनों महान पुरुषों को नमन करते हैं, बधाई शुभकामना देते हैं। ऐसे महान पुरुष जिन्होंने देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने एक सादगी की मिसाल कायम की, और आज तो ऐसे लोग सत्ता में काबिज है। इनको गरीब से मतलब नहीं, किसान से मतलब नहीं, नौजवान से मतलब नहीं। एक तरफ त्याग की प्रतिमूर्ति पूज्य महात्मा गांधी जी, पूज्य शास्त्री जी, और दूसरी तरफ देख लीजिए, एक तरफ गांधी जी थे तो लोगों की परेशानी देख के वस्त्र भी त्यागते चले गए। जैसी जैसी परिस्थितियां आई, अपना इतने सीमित वस्त्र में एक त्याग की परंपरा और लोगों को संदेश देने की कोशिश की, लोगों को परेशानियों को समझ के खुद उस तरह का जीवन निर्वहन करते थे। और आज तो देश ऐसे व्यक्ति के हाथ में है कि जो दिन में 4 बार कपड़ा बदलता है, वो क्या समझेगा देश की भावनाओं को, वो क्या समझेगा कि महंगाई क्या होती है, जिसका घर परिवार नहीं, और वैसे ही उसकी पार्टी के लोग हैं। तो आज जो स्थिति है, अगर हम गांधी जी से तुलना करें तो गांधी जी तो इतने व्यापक है कि गांधी जी अतीत भी है अगर तो भविष्य भी है। और गांधी जी को कभी भी हम अगर कहें कि देश में अगर अमन चैन शांति भाईचारा की बात करें, त्याग की बात करें, अहिंसा की बात करें, सत्यता की बात करें, तो ये गांधी जी के जो सिद्धांत थे ये हमेशा अविस्मरणीय रहेंगे। और इसको लेके अगर कोई चलता है तो कांग्रेस पार्टी है। भाजपा जैसी सरकार, भाजपा जैसी पार्टी, इनको न बेरोजगारी से मतलब, न महंगाई से मतलब, न गरीबों से मतलब, न किसानों से मतलब, ये तो लूटने में लगे हैं, कितना लूट लें। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, महंगाई को लेकर आपकी पार्टी ने अभी तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा किया जिसमें जनता पर सीधे जा कुछ असर पड़े। देखिए, ये कहना कि हमारी पार्टी ने कोई आंदोलन नहीं खड़ा किया, लगातार हर जिले में आंदोलन हो रहे, ब्लॉकों में आंदोलन हो रहे। हमने स्वयं अपने विधानसभा क्षेत्र में कई आंदोलन किए, जिला मुख्यालय पे किए। महंगाई भी शामिल है, बेरोजगारी भी शामिल है, बिजली की समस्या भी शामिल है। बिजली की समस्या को लेके तो संभागीय मुख्यालय में हमें धरना बैठना पड़ा, महीनों से ट्रांसफार्मर जले हैं, बिजली के बिल आ रहा है, लोक अदालत की नोटिस जारी हो रही है, सिर्फ लूट मची हुई है। इनको ये कहना कि कांग्रेस पार्टी ने कोई आंदोलन, देश में हमारे राहुल गांधी जी संसद का भी घेराव किया, पदयात्रा भी की, साइकिल यात्रा की, और पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में इस तरह के आंदोलन कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ हमारे युवक कांग्रेस आवाज़ उठा रहे हैं। ये तो कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं जिनको स्वराज से कोई मतलब नहीं, सुराग यात्रा कर दे, ये तो सुराग करने जा रहे हैं सब जगह। ये तो पता नहीं कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं, वो किसको महिमा मंडित करते हैं। एक तरफ पहले नारा लगाया था हर हर मोदी घर घर मोदी, और कौन सा अभी नमो कौन सा उद्यान लग रहा है, मतलब कमाल हो गया साहब। देश कहाँ लेके जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, आज किस तरह के हालात पैदा कर दिया, लोगों को खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है पर लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। आप राष्ट्रीय सचिव रहे हैं यूथ कांग्रेस, पंजाब में जो हालात हुए कुछ उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी आगे बढ़ रहा है। देखिए, यूथ कांग्रेस के भी राष्ट्रीय सचिव भी रहे, महासचिव भी रहे, पर सीनियर कांग्रेस के भी AICC के भी सचिव रहे, वो अलग बात है। पर पंजाब का जो मैटर है, पंजाब का मैटर बड़ा अति संवेदनशील है। पंजाब में जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई, ये हम कह सकते हैं कि सत्ताधीश लोगों के दबाव में, जिस तरह से वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री है जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, अब समझ में आ रहा है कि किसके दबाव में वो इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, और वो छोड़ के जाने वाले ही थे। तो कांग्रेस पार्टी ने अगर सही समय पर कदम उठा लिया, ये पार्टी की जिम्मेदारी है, शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है सही समय पे कदम उठाना। जिस व्यक्ति को 9-9 साल तक मुख्यमंत्री बना के रखा जिस पार्टी ने, उसको तो उस पार्टी की आरती उतारना चाहिए, पूजा करना चाहिए। क्या दूसरे लोग नहीं थे?
क्या वहाँ कांग्रेस के दूसरे नेता नहीं थे? पर आजकल लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं, उनको अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। चलिए माना पंजाब से हम आते हैं प्रदेश में, प्रदेश में निकट भविष्य में एक लोकसभा 3 विधानसभा चुनाव होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने, अभी आपकी पार्टी ने कोई भी टिकट घोषित नहीं किया, पूर्व मुख्यमंत्री ने एक प्रत्याशी को बधाई दे दी है, तो क्या ये माना जाए कि टिकट सप्ताह हो चुके हैं, लोगों को हरी झंडी दे दी गई? देखिए, उपचुनाव को लेके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता लगातार सक्रिय थे। माननीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में, प्रभारी आदरणीय मुकुल जी के मार्गदर्शन में लगातार मीटिंग्स, कार्यकर्ता सम्मेलन, जहां भी उपचुनाव होने हैं वहां लगातार संपर्क में थे, और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेता पूरी तरह से हम सब तैयारी में हैं। और ये चुनाव तो मतदाता लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से लोग त्रसित हैं ना इस सरकार से, ये चुनाव आम जनता का चुनाव है, ये देश और प्रदेश की सरकार को जवाब देने का समय है। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता तो इस चुनाव में लगेंगे ही, पर आम मतदाता भी इस चुनाव में लगेगा, और इनको मुंह की खानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को, और ये चारों सीटों पर हारेंगे। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, जिनका साफ तौर से कहना था कि इस बार हम सारी सीटें जीत रहे हैं, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का जो भी चाल चरित्र दिखाई दिया है वो अब जनता समझ चुकी है।